आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं, अगर हमारी सिलाई मशीन में धागा फंस जाता है तो हमने उसको किस तरह से निकालना है, वो मैं आज आपको सिखाऊंगी। पहले तो हम सीख लेंगे कि इसका कारण क्या है, जो धागा फंस जाता है तो इसका क्या रीज़न होता है, ये बताती हूँ मैं। कई बार हम जब भी अपनी मशीन को चलाते हैं तो उस मशीन को हम जब भी स्टार्ट करते हैं, कई बार हम आगे पीछे को कर लेते हैं, कई बार उल्टी मशीन को घुमा देते हैं, तो इससे क्या होता है, जो हमारी मशीन है उसका धागा जो है हमारा वो नीचे की ओर फंसना है वो स्टार्ट हो जाता है, तो वो धागा एक जगह पर इकट्ठा होता रहता है। एक तो ये इसका रीज़न है, जब भी हम मशीन को चलाएं तो अच्छे से सीधी तरफ ही इसको घुमाकर चलाना चाहिए, उल्टी मशीन को नहीं घुमाना चाहिए। और इसको अगर हमारा जो धागा है इसमें फंस गया है तो किस तरह से हम इसको धागे को निकालना है वो हम सीखेंगे, कि हमने मशीन में से किस तरह से धागे को निकालना है। तो पहले तो हम इसके जो जहाँ पे जो बोबिन केस लगा होता है हमने इसको निकाल कर देखना है, यहाँ से मशीन के हमने इसको निकाल लेना है। जब भी हमारा धागा फंसा होता है तो जहाँ पे बहुत सारा धागा इकट्ठा हो जाता है हमारे इस जगह पे, और हमने ये इसको निकाल कर देखना है, अगर जहाँ पे हमारा धागा फंसा हुआ होगा तो हम उसको निकाल लेंगे इसको बिना शटल को खोले हुए। तो आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे इस जगह पे हमारे जो धागा है फंस जाता है, जो आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धागा हमारे फंसा हुआ है, तो हमने यहाँ से धागे को निकालना है। ये देखिए हमारे मशीन में धागा जो है फंसा हुआ है, हमने इसको निकालना है। हम हल्का सा ऊपर से घुमाएंगे मशीन को, यहाँ से हल्का सा मशीन को घुमाएंगे, ये देखिए ऊपर से हल्का सा घुमाकर ये हमारी मशीन में जो धागा फंसा हुआ था वो बाहर निकल चुका है। ये देखिए हमारे बिना शटल को खोले हुए ये धागा हमारी मशीन से बाहर आ गया है। अगर आपका जो धागा बीच में फंसा हुआ है और बिना शटल के खोले बाहर नहीं आ रहा है, तो आपने इस जगह से और इस जगह से दोनों यहाँ पे देखिए इसको लूज़ कर लेना है। अगर आप जहाँ से ये निकाल लोगे तो आपका जो है शटल है पूरा बाहर आ जाएगा जहाँ से खोलने के बाद, और आप उसको पूरा खोलकर फिर धागे को निकाल सकते हो। वैसे अगर यहाँ पे धागा फंसा होता है तो आप थोड़ा सा अगर घुमाओगे, जिस तरह से मैंने ये जहाँ से धागा निकाला है फंसा हुआ, तो अगर आप धागे को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर से घुमाओगे तो हमारा जो धागा है मशीन का वो बाहर आ जाता है इस तरह से। और शटल की जो सफाई है वो भी हमें अच्छे से करनी होती है, जिस तरह से देखिए हम जब भी सिलाई करते हैं जहाँ पर ये देखिए इस तरह से ये फूस जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जब भी हम सिलाई करते हैं कपड़े का, तो इसकी भी सफाई करते रहना चाहिए हमें मशीन की अच्छी तरह से, जहाँ से बिल्कुल जो कचरा निकाल लेना चाहिए। तो इस तरह से अगर हम जहाँ से मशीन की सफाई रखेंगे तो इसमें जो धागा होता है उसकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है हमें मशीन में।